बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइवेसी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान चाहता है कि मेरी मोबाइल की प्राइवेसी हो। वैसे भी हर लिहाज की प्राइवेसी इंसान चाहता है कि हमारी प्राइवेसी हो, लेकिन क्या है कि हमारे मोबाइल जो है सिक्योर नहीं होते। अक्सर लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं। मेरे पास भी कई लोग, मेरे दोस्त वगैरह आते हैं या मेरे कस्टमर आते हैं, वो ये कहते हैं कि यार जो है हमारे मोबाइल के ऊपर जो है तरह तरह के जो है ना एड्स आना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप खुद भी ये चीज़ नोट करते होंगे कि अगर आप जाकर मिसाल के तौर पर एक बार आपने जो है गूगल पे जाके या किसी भी चीज़ पे जाके आपने कोई भी एड देखा है किसी भी चीज़ का। मिसाल के तौर पर आपको कोई शर्ट लेनी है, कोई आपको कपड़ा लेना है, और होता क्या है जो भी चीज़ आप सर्च करते हैं गूगल वगैरह पर तो आपको उसके एड आना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक के अंदर एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके ज़रिए जो है आप जो भी मिसाल के तौर पर अगर गूगल के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर कहीं भी कोई भी चीज़ जब सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मोबाइल जो है एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर देता है, मतलब ऐसे एड जो है आपके मोबाइल के ऊपर क्रिएट कर देता है। उसके बाद जब भी आप अपना फेसबुक वगैरह खोलते हैं तो कई दिन तक जो है वही जो एड आपके मोबाइल के ऊपर आ रहे होते हैं, और इससे आपका मोबाइल सिक्योर भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि आपकी फेसबुक वगैरह हैंग होना शुरू हो जाती है। होता क्या है कि आप जो है अक्सर आपको शॉर्ट वीडियो वगैरह में अक्सर लोग ये बताते हैं कि अगर आपको एड बंद करने हैं तो ये ऑप्शन ऑन कर लें। मैं भी बताता हूँ, लेकिन होता क्या है कि हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें समझ नहीं आती इतनी आसानी से कि किस तरीके से हमने एड वगैरह ऑफ करने हैं। आज की इस वीडियो के अंदर यही मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी फेसबुक वगैरह को किस तरीके से सिक्योर करते हैं और किस तरीके से आपने फेसबुक के ऊपर जाकर अपने आप अपनी फेसबुक को सिक्योर करना है। एक ऐसा ऑप्शन होता है, एक ऐसी सेटिंग होती है जिसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो उसके बाद आपके मोबाइल पर एड आना बंद हो जाते हैं। तो किसी हद तक आपकी फेसबुक जो है सिक्योर हो जाती है और वो बिल्कुल स्मूथ भी चलने लग जाती है। जाहिर सी बात है, अगर इतने सारे एड आपके जो है बार बार फेसबुक पर आते हैं तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। वहां जाकर मैं आपको सिंपली तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से आपने फेसबुक के ऊपर जाके एक सेटिंग करनी है, उसके बाद आपके मोबाइल पर एड नहीं आएंगे। तो व्यूअर, सिंपल हम अपनी फेसबुक आईडी को ऑन करेंगे, थ्री लाइंस पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट यहां से हम जाएंगे सेटिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, सेटिंग के अंदर जाने के बाद जो है हम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, ये देखें नज़र आ रहा है आपको जो ना ऑफ फेसबुक एक्टिविटी, ठीक है, इसको हम जो है क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये देखें आपको सारी चीज़ें शो कर रहा है। देखें ये जैसे दराज ऑनलाइन और इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं एक्टिविटी आपके मोबाइल पर ऑन है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है कि ये हम जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो हमसे मतलब वो परमिशन तो मांगता है कि आप एक्टिविटी वगैरह ऑन करना चाह रहे हैं, तो हम जो है बेध्यानी में बग़ैर पढ़े उसको ऑन कर लेते हैं। और ये देख रहे हैं आप कितनी सारी एक्टिविटी जो है हमारी फेसबुक आईडी के ऊपर ऑन हुई हुई है, ठीक है। अच्छा, सिंपली हमने क्या करना है, यहाँ से हम जाएंगे व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी पर, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने तो यहाँ पर पासवर्ड लगाया हुआ है। अब जब आप जो है, मैं बैक जाके दोबारा बताता हूँ, जब आप इधर व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो आपसे जो है फेसबुक का पासवर्ड मांगा जाएगा। जब आपसे फेसबुक का पासवर्ड मांगे वो आपने इंटर करना है इसमें, उसके बाद जो है व्यू एंड मैनेज की एक्टिविटी आपके पास ऑन होगी, ठीक है। सिंपली यहाँ से हमने इसको क्या करना है, सिलेक्ट एक्टिविटी टू टर्न ऑफ। ये देखें, अब ये देखें आपके पास कितनी सारी एक्टिविटी जो है मेरे मोबाइल के अंदर। अब ये अंदाज़ा लगा लें, ये तो बहुत कम है। ये देखें, ये तमाम एक्टिविटी जो है मेरे मोबाइल के ऊपर चल रही हैं, तमाम एड जो हैं आपके मोबाइल पर चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ एड आपके जो है फेसबुक पे चल रहे होते हैं। तो सिंपली हमने इसको करना क्या है, सिलेक्ट एक्टिविटी टू टर्न ऑफ, यहाँ से हम इसको क्लिक करेंगे। अब ये देखें, ये सारी हमारे पास टर्न ऑफ हो गई है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ से क्लियर हिस्ट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्लियर हिस्ट्री कर दें तो ये सारी जो है आपके पास से ख़त्म भी हो जाएंगी। यहाँ से हम बैक जाते हैं। अब ये देखें आपके पास सारी ऑफ है। दोबारा एक बार देख लेते हैं जाके कि कोई हुई भी है या नहीं, ठीक है। क्लिक किया, दोबारा इस पर क्लिक किया, अब ये देखें ये सारी टर्न ऑफ हो गई है। व्यूअर्स, फेसबुक के अंदर ये एक्टिविटी आप बंद करने से एक तो आपका मोबाइल भी सेव रहेगा, आपका डेटा भी फेसबुक का सेव रहेगा, फेसबुक आपकी सिक्योर रहेगी। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन आज की इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिली होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।